बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की बोल श्री सतगुरु महाराज की एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार ए मोह के जीव रहेंगे मोह में तुमको तो चाहिए विचार तुमको तो चाहिए विचार तुमसे माया जीव से एता भी ना होए फर्क प्रणाम सुंदर साहद जी प्राणाधार संबंधी सुंदर साहद जी कल के प्रसंग में हमने सुना कि अब श्री राज जी के तन को माध्यम बनाकर जी जागने का कार्य कर रहे हैं और उसमें जूनागढ़ के हरिजी व्यास के प्रसंग के साथ साथ में जूनागढ़ से श्री जी कैसे अहमदाबाद जाते हैं वहां किस तरह से कुतुब खान के साथ संधि समझौता होती है कैसे पूरी तरह से माया देखने के बाद अब पूर्ण रूप से वाणी के प्रचार में ब्रह्म सृष्टियों की जागनी में श्री जी लग जाते हैं और वहाँ से श्रीजी पहुँचते हैं दीप बंदर और दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित कर रहे हैं कल के प्रसंग में हमने सुना साथ ही साथ कि कैसे खंडनी के कठोर वचनों के साथ में जयराम भाई कंसारा को जगा रहे हैं कह रहे हैं कि पूरा संसार इंद्रियों के स्वाद के पीछे लगा हुआ है यह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार और आगे कहते हैं तुमसे माया जीव से एता भी ना होए फर्क कि जीव सृष्टि माया में लग रही है जीव इंद्रियों के वशीभूत होकर विषयों के चक्कर में बंध रहे हैं वह तो बात समझ में आ रही है पर आप ब्रह्म सृष्टि हो तो आप में और जीव सृष्टि में कम से कम इतना तो फर्क होना चाहिए कि जैसे जीव माया में फंस रहे हैं जीव इंद्रियों की स्वाद के चक्कर में फंस रहे हैं लेकिन आपको क्या करना चाहिए कहते हैं श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक ब्रह्म सृष्टियों को क्या करना चाहिए कि धाम धनी राज जी के जिक्र में अर्थात उनकी बात में उनको याद करने में हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और अभी तो तुम्हें देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कहते हैं न बोए आवत तुम में हे जयराम भाई आपके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि राज्य के प्रेम में मग्न होना चाहिए लेकिन इस बात की तो बोए अर्थात गंध सुगंधी भी नहीं आती है ना चर्चा चितवन न आपने कभी चर्चा सुनी न आपने कभी चितवनी की न कभी आप सुंदर सात से मिले और न अपने हृदय को तारतम ज्ञान से प्रकाशित किया तो आपने क्या किया फिर आपने ऐसे कैसे ये दावा कर लिया कि आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो अब ये वचन सुन के कहते हैं ये वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब मुझसे कछु ना हुआ करो धिक्कार आपको तब जयराम भाई उन वचनों को सुन के रो पड़े कि सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तारतम ज्ञान लेने के बावजूद भी इतने वर्ष व्यतीत हो गए न मैंने चर्चा सुनी न मैंने कभी चितवनी की न मैंने राज्य को याद किया न सुंदर साथ से मिला तो अपने वचनों को उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से अपनी गलती को स्वीकार किया जब भी मैं इस प्रसंग को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी इस प्रसंग की चर्चा होती है अनेक लोगों के द्वारा या हम स्वयं भी पढ़ रहे होते हैं बीतक आदि तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जयराम भाई कैसे थे कि श्री देवचंद्र जी से तारतम लेने के बावजूद भी वह नहीं जाग पाए उनके लिए श्री जी को ऐसे खंडनी के वचनों से प्रबोधित करना पड़ा उनके लिए कहना पड़ा कोई न अघाया इनमें चतोड़ ठौर मुर्दार तो जयराम भाई केंद्र से कैसे माया में फंसे होंगे इस तरह की हम कल्पना करते हैं पर वास्तविकता ये है कि जयराम भाई को श्री जी ने एक बार प्रबोधित किया उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब पश्चाताप भी कर रहे हैं पर हम पिछले लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों से हर वर्ष ऐसी बीतक सुनते हैं माध्यम अलग अलग होते हैं पर हम तो सुनते ही जा रहे हैं इस तन में रह करके भी हम वर्षों से बीतक सुन रहे हैं वाणी की चर्चा सुन रहे हैं जयराम भाई कंसारा को कहीं ना कहीं हम नकारात्मक रूप में देखते हैं कि वो माया में जाके फंस गए थे पर हमें इसका नैतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम तो उसी तरह से फंसे हुए श्री जी की एक चर्चा से एक बार प्रमोदने से जयराम भाई को इतनी बात तो समझ में आई कि हमको इन माया में ने याद न आया धाम हम भूले तहकीक आड़े माया के काम इस माया के काम में व्यस्त होकर या माया के कार्य के बहाने से हमने राज्य को भुला दिया था हमने परमधाम को भी याद नहीं किया ये निश्चित है न हमने अपनी निस्बत की पहचान की ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान कि न हमने अपनी निस्बत की पहचान की न जिसके साथ निस्बत है उस स्वरूप की पहचान की अन्यथा ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होते ईमान ये बात सत्य है कि हम में राज्य के प्रति नाम मात्र को भी विश्वास नहीं था उनके प्रति नाम मात्र का भी प्रेम नहीं था क्योंकि ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा क्यों करते हम माया में क्यों फंसते लेकिन कहते हैं कि श्री जी साहेब अब राज्य की मेहर है ये कि जो आपको उन्होंने भेज दिया हमारी तरफ न देखिया हम तो डूबे संसार मो राज्य ने अपना प्रेम निभाया है ये नहीं देखा कि ये याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ब्रह्म सृष्टियां याद कर रही है कि नहीं कर रही है उन्होंने केवल ये देखा कि ये मेरी आत्माएं हैं इन्हें जागृत करना है हम अर्जी गाते हैं तो अर्जी की पहली चौपाई में ही क्या बोलते हैं हम जैसी तुम जिन करो है ना कि राज्य आप जैसे हैं क्योंकि आप प्रेम के आनंद के सागर हैं मेहर के सागर हैं तो आप अपने अनुरूप हम पर कृपा करना हम जैसे हैं हमारी करतूतों को देख करके हमारी रहनी को देख करके आप अपनी कृपा को रोक मत लेना तो यहां पर भी वही कह रहे हैं किरणतन की वाणी कहती है कि धनी जी के गुण की मैं क्या कहूं इन अवगुण पर एते गुण महामती कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन राज्य के अलावा ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें माया से निकाल सके अलग अलग समय में अलग अलग वो माध्यम बनाते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी अवस्था को नहीं देखा कि ये तो इतना दावा किया दावा करने के बावजूद भी भूल गए दुनिया भी संबंध होता इस संसार का तो क्या होता कि जैसे उदाहरण के लिए इस संसार में पति पत्नी का संबंध होता है पत्नी जिद करने लग जाए कहीं जाने के लिए मेले इत्यादि में पति मना करेगा फिर जिद करने लग जाए फिर मना करेगा इस तरह से जब दो तीन बार जिद करके यदि पत्नी मेले में निकल जाती है और वहां कोई समस्या आती है तो पति उल्टा डांट लगाएगा कि मैंने तो कहा था मैंने मना किया था जाने के लिए तुम ही ने जिद किया था अब भुगतो राज जी हमें लेने के लिए आए हैं चौथे दिन की लीला में भी पांचवें दिन के लीला में भी तो बस इत इतना है हमें इतना करना है कि उनके स्वरूप की पहचान करनी है और उनकी वाणी की पहचान करनी है क्योंकि जी ने तो कभी हमारी तरफ देखा ही नहीं कि हम कैसे हैं उन्होंने देखा मुझे क्या करना है जैसे रास की वाणी में हम कहते हैं ना ज्यारे धनी धनवट करे है ना धनी मतलब आत्मा के प्रियतम जब हमारे आत्मा के पति वह पना निभाते हैं वह प्रियपन निभाते हैं तो वो हमारी तरफ नहीं देखते कि हम कैसे हैं तो वही बात जयराम भाई कह रहे हैं कि हमारी तरफ न देखिया हम तो डूबे संसार में, हम तो माया में पूरी तरह से डूबे हुए थे कहते हैं इन भात की चर्चा भाई सब मिला घर का साथ अब इस तरह से जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं घर के सभी लोग चर्चा सुनने लगे सब आए चरणों लगे जो धनिये पकड़े हाथ सभी लोग आते हैं श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और इस तरह से विश्वास लेकर के वही चल पाता है जिसका हाथ राज्य पकड़ते हैं जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं अन्यथा सुनने वाले तो बहुत हैं इस समाज में भी लाखों की भीड़ है लाखों की जनसंख्या है जिसने कभी न कभी वाणी को सुना होगा वाणी पढ़ा होगा लेकिन चल कौन पाता है जिसका हाथ राज्य पकड़ते हैं जो और राज्य हाथ किसका पकड़ते हैं जो सच में राज्य की तरफ हाथ बढ़ाता है केवल सुनने मात्र से नहीं होता है सुनने वालों की संख्या बहुत है तो अब कह रहे हैं आदर रसोई का किया नहवाए श्री महराज बैठाए रसोई में ने अरुगा अरुगाए श्रीराज अब श्रीजी क्योंकि दूर से चलकर आए हैं सुबह के समय में पहुंचे थे सुबह से अब तक चर्चा हो रही थी पहुंचे आराम नहीं केवल चर्चा कि ब्रह्म सृष्टि को जगाना है और जल्दी से जल्दी जगाना है अब दोपहर में भोजन का समय हुआ तो सुंदर साथ ने आग्रह किया कि आप भोजन कर लीजिए भोजन से पहले उन्होंने स्नान किया तो क्या करें स्नान किसको कराया मिहिर राज को शरीर को स्नान करा रहे हैं लेकिन जब उनको भोजन करा रहे हैं तो भोजन करने वाला वैसे शरीर ही है पर सुंदर साथ यह भाव लेकर के सेवा कर रहे हैं कि हम जी को खिला रहे हैं अब श्री जी ने भोजन लिया सब सुंदर साथ ने जयराम भाई कंसारा के परिवार के जो लोग थे उन्होंने भी भोजन लिया फिर कहते हैं श्री जी साहब आप आराम कीजिए थोड़ी देर आप लेट जाइए श्री जी कहते हैं हम ना आए पौढ़ने हमारी तो और गरज कि मैं यहां आराम करने नहीं आया हूं मैं किस लिए आया हूं ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए आप लोगों को माया से निकालने के लिए तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकाज तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्रीराज कि ये जो मुर्दार अर्थात नश्वर संसार है जो परिवर्तनशील है जिसमें आप कितना भी कुछ भी कर लो पर आपका कुछ होने वाला नहीं है कुछ होता भी है आपका तो कुछ समय के लिए होता है थोड़ी देर के लिए होता है जो आपका परमानेंट है जो आपका स्थायी संबंधी है आप उसको पकड़िए तो मैं आपको इस नस्वर संसार से छुड़ाने के लिए इस मुर्दार संसार को छुड़ाकर राज्य याद दिलाने के लिए आया हूं अब श्रीजी फिर से बैठ गए फिर चर्चा शुरू होती है तो अब अगली चर्चा में ब्रज लीला का वर्णन करके सुनाते हैं ब्रज लीला मतलब कृष्ण जी और गोपियों के बीच की लीला वो क्यों सुना रहे हैं ब्रज और रास की लीला को सुनाने का तात्पर्य यह है कि ये बताना कि ब्रज में कैसा प्रेम था कैसा हमारा आचरण था वाणी कहती है ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगारंभ कष्ट जो, जो देखाई ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की चाल कौन सी है जैसा ब्रज में और रास में हमने चल के दिखाया था अभी बीतक के प्रारंभिक दिनों में दूसरे तीसरे दिन की चर्चा में हमने सुना कि ब्रज में किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम राज्य के साथ था कैसा था माया के सारे काम करते हुए भी केंद्र बिंदु में कौन रहते थे राज्य राज तो के केवल लौकिक संबंध नहीं था एक आकर्षण था भले ही पहचान नहीं थी पर गोपियां क्या करती थी कृष्ण जी से मिलने के लिए अलग अलग बहाने बनाना बहाने क्यों बनाना क्योंकि एक दिन दो दिन तो चलता है पर बारंबार यदि किसी से मिलने के लिए जाएं तो समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं तो अब समय निकालने के लिए कि ब्रज में भी 24 घंटे का ही समय होता था आज भी हमारे पास 24 घंटे का ही दिन है पर हम आज बहाना क्या दे देते हैं कि हमारे पास वाणी पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास चर्चा सुनने का समय नहीं है हमारे पास सेवा के लिए चितवनी के लिए समय नहीं है जबकि ब्रज में तो ऐसा नहीं था जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अध्यात्म व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष प्रकार के वस्त्र पहना देना चाहे वो धोती कुर्ता हो चाहे और विशेष प्रकार के वस्त्र हो जटाएँ बढ़ा लेना तिलक चंदन लगा लेना दाढ़ी बढ़ा लेना ये अध्यात्म नहीं है अध्यात्म का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा का विषय हो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कराता है अध्यात्म यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से आध्यात्मिक जीवन यापन करता है वह भौतिक जीवन में भी उतना ही खुश रहता है क्योंकि उसे विशेष रूप से किसी एक ग्रंथ को एक विषय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है यदि सच्चे दिल से वह किसी में लग जाता है जैसे उदाहरण के लिए लोग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं एम कर लेते हैं बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन ये सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं जो ढंग से ग्रेजुएट भी नहीं होता है इसका कारण क्या है कि केवल भौतिक पढ़ाई लिखाई से सब कुछ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई आवश्यक है पर यदि साथ साथ में हम व्यवहारिकता भी सीखते हैं व्यवहारिक ज्ञान भी लेते हैं तो वह पढ़ाई लिखाई सोने में सुगंधी का काम करता है ब्रज में ऐसा ही था ब्रज वधुओं के पास कोई डिग्री नहीं थी पर उनके पास टाइम मैनेजमेंट ऐसा अच्छा था इतना गजब का था कि आज भी हम उससे शिक्षा ले सकते हैं जैसे अब पहले भी चौबीस घंटा ही रहता होगा उनके पास पर जब से कृष्ण जी का आगमन हुआ है ब्रजमंडल में तब से प्रतिदिन उनको मिलने जाना है परिवार कैसा होता था सामूहिक परिवार संयुक्त तो परिवार जिसको बोलते हैं ना तो कम से कम 12-15 लोगों की फौज होती थी अब उन सब के लिए भोजन बनाना है अब भोजन बनाने का भी प्रोसेस आज तो क्या है हम किराने की दुकान से लेकर के आते हैं हमारे पास सिलेंडर है प्रेशर कुकर है हम बना लेते हैं और खा लेते हैं पर उस समय का प्रोसेस ऐसा नहीं था पहले तो खुद ही अपने घर में घर में चक्की से अनाज तैयार करना लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाना पानी लेने के लिए यमुना जी जाना यदि वस्त्र भी धोने हो तो इसी तरह से फिर प्रत्येक घर में दर्जन दर्जन भर गायें थी उन गायों को संभालना उनका दूध निकालना सब तो काम इतने सारे होते थे लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उठ करके ये सोचते हुए कि सुबह सुबह सारे काम निपटा देने हैं ताकि दिन में हमें कृष्ण जी से मिलने जाना हो तो कोई ना रोक पाए तो उठ करके सारा काम चक्की से लेकर के अनाज तैयार करने से लेकर के सुबह सुबह ही पानी वानी भर के लेके आते थे अब दिन में जाना हो तो कैसे जाएं तो कोई घड़ा खाली कर दिया किसी घड़े का पानी गिरा दिया और बोलते थे कि चलो पानी भरने के लिए जाना है पानी खत्म हो गया है और पानी भरने के बहाने से जाकर कृष्ण जी से मिलाते थे ब्रज में ऐसी अवस्था थी तो वहां पूरी एकाग्रता जो किसी आसन में बैठ करके ध्यान लगाने में जैसी एकाग्रता होती थी होती है एक अपने साध्य के प्रति वैसी ही एकाग्रता बिना ध्यान में बैठे दैनिक व्यवहार करते हुए भी गोपियों का कृष्ण जी के प्रति रहता था इसलिए विधिवत आसन लगा करके ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में हमारे पास सब कुछ है लेकिन ब्रज में हम कृष्ण जी से मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे आज न मिलना पड़े इसके लिए बहाने बनाते हैं कि आज ये ये हो गया इस वजह से समय नहीं मिला ऐसा हो गया इस वजह से वाणी नहीं पड़ पाए वो आ गया इसलिए चितवनी नहीं कर पाए इस तरह से अनेकों बहाने होते हैं तो श्री जी ने इसीलिए ब्रजमंडल का उदाहरण दिया कि कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज कौन भांत तुम चलते करते माया का काज माया का काम करते हुए भी तुम कैसे चलते थे चलने का तात्पर्य दोनों पैरों से चलने की बात नहीं हो रही तुम्हारा आचरण कैसा था तुम्हारी रहनी कैसी थी एक परिवार में रहते थे कुटुंब परिवार सब थे रहते चित उदास परिवार में रहते हुए भी उनके तरफ से उदासीन रहते थे अब इसका तात्पर्य क्या है उदासीन रहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है घर वालों के साथ विवाद करते थे झगड़ा करते थे नहीं वास्तव में जो व्यक्ति उदासीन होता है ना जिसके अंदर वैराग्य होता है वह कर्म अच्छे से कर पाता है कैसे जिसके अंदर वैराग्य ही नहीं है वह कोई भी कार्य करेगा तो कैसे करेगा तृष्णा के वसीभूत होकर के किसी न किसी प्रकार की तृष्णा है कि मैं जैसे सामान्य रूप में क्योंकि ये संपूर्ण जगत ही मोहात्मक है माता पिता बच्चों को पढ़ाते भी हैं तब भी कहीं ना कहीं तो होता है कि बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा व्यक्ति बन जाएगा तो हमारी सेवा करेगा अब आपने इतनी भी कामना रखी तो क्या होगा कि यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होगा लेकिन आपने केवल कर्तव्य पालन के भाव से किया तो क्या होगा देखो इसमें ना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है मनोवैज्ञानिक कारण है एक चीज नहीं है बहुत सारी चीजें इसमें साथ में काम करती है मैं वैराग्य की बात क्यों बता रहा हूं आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और समझना देखिए जैसे किसी घर में दो बच्चे हैं माता पिता उन बच्चों का पालन पोषण करते समय यदि भविष्य में ये लोग भी हमारी सेवा करेंगे ऐसी चाहना होती है तो पहले से ही मन में उनके कहीं ना कहीं डर होता है कि यदि हमने उनको डांटा फटकारा तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जाकर के ये हमारी सेवा को भूल जाएंगे और हमें नहीं देखेंगे मतलब हमारी सेवा नहीं करेंगे इसलिए बच्चे भले ही बिगड़ रहे होते हैं पर सोचते हैं कि चलो सुधर जाएंगे जब बच्चा पाँच सात साल का होता है उसकी सुधरने की बनने बिगड़ने की वही उम्र होती है पर क्योंकि उनको एक मोह है मोह की वजह से बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं डांटते नहीं हैं फटकारते नहीं हैं तो बच्चा थोड़ा बिगड़ जाता है दस बारह साल तक आते आते तब भी क्योंकि मोह है कहते हैं बच्चा है बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा कुछ कहेंगे नहीं फिर जब 16 से 18 साल का होता है तो बच्चा हाथ से निकल जाता है फिर सोचते हैं कि अच्छा शादी करा देंगे तो सुधर जाएगा पर जो इतने वर्षों में नहीं सुधरा शादी करने के बाद रातों रात ऐसा क्या होता है कि सुधर जाता है तो वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं कोई कोई मामले ऐसे हैं कि विवाह के बाद में सुधर जाते हैं पर सामान्य रूप में एक हर जगह पे काम नहीं करता है लेकिन उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसको पता है कि मेरा ये जो बच्चा है मेरा कर्तव्य है कि मेरे बच्चों को बिगड़ने नहीं देना है तो वहाँ जहाँ बच्चे गलती कर रहे होंगे वहाँ डांटेगा भी जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पनिशमेंट भी देगा तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे सही मार्गदर्शन में सही लाइन में चलते रहेंगे पर ये सब कब होता है बिना मोह के कोई व्यक्ति बिना आसक्ति के कोई व्यक्ति करता है ऐसा तब होता है इसलिए गीता में कृष्ण जी ने हर जगह पर अर्जुन को निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है अनासक्त भाव से कर्म करने की शिक्षा दी है हमारे उपनिषद भी इसी तरह की शिक्षा देते हैं कि आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना चाहिए ऐसे करो जैसे कि हम नाटक कर रहे हो नाटक अच्छा नाटककार किसको माना जाता है अच्छा एक्टर किसको माना जाता है कि जो एक्टिंग करे तो पता ही ना चले कि एक्टिंग कर रहा है कहने का तात्पर्य कि अंदर से हमें ये पता होना चाहिए कि इनके साथ हमारा जो संबंध है वो टेम्परेरी है अस्थाई है हमें केवल कर्तव्य पालन करना है लेकिन कर्तव्य पालन इतनी अच्छे से करें कि किसी को लगे ही ना कि ये अंदर से ऐसा सोचते हैं पर विचारधारा ऐसी ही होनी चाहिए सबकी जो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं उनके मन में भी ऐसी भावना होनी चाहिए मोह नहीं होना चाहिए स्नेह भाव से प्रेम भाव से अनासक्त भाव से सेवा करेंगे तो आप दुखी भी नहीं होंगे अन्यथा जिसके अंदर जितनी आसक्ति होती है वह उतना ही दुखी होता है जैसे आजकल एक अंग्रेजी में एक कहावत चलती है ना एक्सपेक्टेशन हर्ट्स जहाँ उम्मीद होगी जहाँ आशा होगी निराशा भी वहीं तो होगी आप अनासक्त भाव से पहले ही निराश होकर के पहले ही आपने मान लिया कि ये सब तो नस्वर है पहले ही मान लिया कि ये संबंध छूटने वाले हैं तो छूटते हुए आपको दुख नहीं होगा तो ये सारा ये सारी समझ हमें आती है अध्यात्म में आगे बढ़ने से अथवा अध्यात्म को समझने से ब्रजवधुओं में भी ऐसा ही था क्या कह रहे हैं कुटुंब परिवार सब थे रहते चित उदास सब काम करते थे सास ससुर ननंद दे, देवर देवरानी जेठानी सबकी सेवा करते थे पर उदासीन भाव से अनासक्त भाव से यदि आसक्ति होती तो इतनी आसानी से जब बांसुरी बजी तो योग माया में प्रवेश नहीं कर पाते कहीं ना कहीं वह आसक्ति उन्हें रोक लेती जो उस अवस्था में रहेगा वो योगमाय में कैसे प्रवेश कर पाएगा तो इस तरह से हम भी इस जागनी के ब्रह्मांड में कर्तव्य सारा पालन करना है पर कर्तव्य पालन ऐसे करना है जैसे कि हम नाटक कर रहे हो इतने अच्छे से करें कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी ना पता चले कि हम नाटक कर रहे हैं कर्तव्य पूरी तरह से पालन करें जहां जिसकी आवश्यकता है पर अनासक्त भाव से करें अब कहते हैं कुटुंब परिवार सब थे रहते चित उदास तुमको एक श्री राज बिना और ना रहती आस आपको एक राज्य के अलावा और किसी से कोई उम्मीद ही नहीं थी आज मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर साथ आए हैं और हम में से अचानक से यहाँ सामने राज्य प्रकट हो जाए और कहने लग जाए कि तुम्हें परमधाम लेके जाने का समय आ गया है तो अभी के अभी चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं या फिर हमारे मन में ऐसा आएगा कि एक बार क्योंकि अभी तो यहाँ है ना हमारे मन में आएगा कि एक बार मम्मी से मिलने दो पतिदेव से कम से कम विदाई तो लेने दो है ना या एक बार अपनी बहन को देख लेने दो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा यदि ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में केवल बात हाथ उठाने की या हामी भरने की नहीं है वो तो हृदय से स्वीकार करने की बात है ना कौन कितना है वो तो आप सब जानते हैं राज्य जानते हैं तो सवाल यही है कि परमधाम जाना सब चाहते हैं पर अभी की अभी जाने की बात आ जाए तो उसके लिए हम तैयार नहीं है उसके लिए सोचते हैं कि सोचना पड़ेगा माताएं होंगी तो माताएं बोलेंगी कि एक बार बेटे को तो बोलना पड़ेगा कि परमधाम जा रहे हैं तू अपना ख्याल रख लेना समय पे खाना बना करके खा लेना जो भाई होंगे वो सोचेंगे कि एक बार अपनी पत्नी से बात कर लें ठीक है बच्चे सोचेंगे कि एक बार मम्मी पापा से मिल लेते राजी फिर ले जाना कोई बात नहीं ठीक है ऐसी ही बात है जैसे एक बार क्या हुआ कि एक नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान के पास जाके कहते हैं भगवान धरती में आपके इतने चाहने वाले हैं इतने भक्त हैं सब लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान उठा लो लेके चलो लेके चलो आप लेके क्यों नहीं चलते तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा लगता है पर सच में ऐसा नहीं है केवल वो मुख से कहने की बात है सच में आना कोई नहीं चाहता नारद जी ने कहा भगवान मैं रोज जाता हूं धरती लोग पे इतने सारे लोगों की बात सुनता हूं तो सब झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें मैं एक अधिकार देता हूँ यहाँ से जाना जो व्यक्ति तुम्हें लगे कि ये सच में वैकुंठ आना चाहता है तो उसको ले आना नारद जी ने कहा ठीक है वे जैसे ही धरती लोक पे पहुँचे तो वहाँ एक व्यक्ति बहुत दुखी लग रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि भगवान ऐसे जीवन से तो मौत ही बेहतर है हमें उठा लो हमें ले चलो नारद जी प्रकट हो गए वहीं पर बोले चलो भगवान ने बुलाया है कि तो इतनी जल्दी सुन ली फिर कहता है कि नहीं नहीं अभी वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था क्योंकि दुखी था पर अभी ना मुझे दुनिया देखने की इच्छा है अभी तो मैं बिल्कुल जवान हूं मेरी शादी भी नहीं हुई है मैंने संसार सुख नहीं भोगा है गृहस्थ का सुख नहीं भोगा है तो एक बार मेरी शादी हो जाए मेरे बच्चे हो जाए फिर आना नाराज जी ने कहा ठीक है वो गए कुछ समय के बाद क्योंकि कहा जाता है ना कि जो इस दुनिया कि एक साल है वो देवताओं के हिसाब से एक दिन के बराबर होता है अब नारद जी कुछ समय के बाद आए तो इधर उस व्यक्ति का विवाह हो चुका था और बच्चे भी हो चुके थे नारद जी ने कहा आप चलो तो कहते कि नहीं नहीं बच्चे अभी छोटे हैं मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच्चों को नहीं संभाल पाएगी इसलिए आप थोड़ी और प्रतीक्षा कर ले मेरे बच्चों की जब शादी हो जाए ना तब आप आना अब बच्चों की शादी हो गई कुछ समय के बाद में बच्चे बड़े हो गए शादी हो गए नारद जी आए तो उन बच्चों के भी बच्चे हुए पड़े थे मतलब वो व्यक्ति दादा बन चुका था तो कहते हैं कि अब तो बच्चे हो गए चलो तो बोलते हैं कि ऐसा है ना कि मेरे पोते अभी बहुत छोटे छोटे हैं पोते पोतियाँ मेरे बेटे भी बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं बहुएं भी इधर उधर खेत में काम के लिए चले जाती हैं तो पोते पोतियों को देखने वाला कोई नहीं है जब ये बड़े हो जाएंगे तब आप आना नारद जी गए वापस कुछ समय के बाद में आए तो अब वो व्यक्ति है ही नहीं उस घर पे मिला ही नहीं नारद जी ने योग बल से देखा तो वो व्यक्ति वहाँ एक बैल बना हुआ था उसी घर के आंगन में बैल के रूप में था नारद जी ने उस बैल वाले जीव को कहा कि चलो अब तो चलो तो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जा सकता मैं क्योंकि आप लोगों को पता है पुराने जमाने में जो हल जोतते थे ना तो दो होते हैं ना जोड़ी होता है ना बैलों का बैलों का जोड़ा होता है तो बोलता है कि जो दूसरा वाला बैल है ना वो आलसी है अगर मैं भी चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा तो आप थोड़े समय बाद में आना नाराज जी फिर कुछ समय के बाद में आए अब बैल की आयु तो कितनी होती है तो इतने में बैल मर चुका था फिर उन्होंने योग बल से देखा तो पता चला कि उसी घर में कुत्ते की योनी में बंधा हुआ है तो नारद जी ने कहा कि अब तो चलो अब तो कुत्ता बने हो तो वो कुत्ते को जो जीव में था व्यक्ति कहता है कि देखो ऐसा है मेरी बहू में ना लापरवाह है कभी घर का दरवाजा ऐसे ही खोल के चले जाते हैं पोते पोतियाँ बड़े हो गए हैं पर उनको भी घर की सुध नहीं रहती है तो चोरों से रक्षा कौन करेगा तो मैं चोरों की रक्षा करने के लिए बैठा हूँ तो आप बाद में आना अब कुछ समय के बाद में आए तो वहाँ कुत्ता भी नहीं था नारद जी ने योग बल से देखा तो वो जीव उसी घर के पास में एक नाली में मेढ़क के रूप में था अब बोले अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते कोई मदद भी नहीं कर सकते अब तो चलो तो मेढक है। बोलता है कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें मैं ही दिखाई पड़ता हूँ कम से कम यहाँ बैठे बैठे अपने बच्चों को अपने पोतियों को आते जाते देख करके खुश तो हो सकता हूँ तुम किसी और को ले जाओ अब वैसे तो नारद जी को ये बात जल्दी समझ में आनी चाहिए थी पर नहीं समझ पाए शायद हमें दृष्टांत देने के लिए कि जाना हर कोई चाहता है वैकुंठ की तरह ही धाम जाना हर कोई चाहता है कहता भी है पर अभी जाने के लिए कहा जाए अभी चलने के लिए तो तैयार नहीं होते हैं क्यों क्योंकि वो वाली स्थिति नहीं है ब्रज में ऐसी स्थिति थी कि जैसे ही कृष्ण जी ने बाँसुरी बजाई बुलाई आवाज लगा करके तुरंत चलने के लिए तैयार हुए किसी ने ये नहीं देखा कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ कुछ नहीं देखा तुरंत सब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए इसीलिए कहते हैं कोई न लगता तुमको इन माया को नेम रहो सदा छके जोश में आठों जाम इन प्रेम इस माया का कोई भी नियम किसी भी प्रकार का बंधन तुम्हें नहीं लगता था क्योंकि तुम दुनिया से उदासीन थे इसीलिए तुम ब्रज से रास में चल पाए और तुमने क्या किया तो फिर आए जब रास में किया गौपद, गौपद तात्पर्य क्या होता है जैसे हमारे यहां गौशाला है तो वहां गाय का जो बछड़ा होता है छोटा सा उसके पैर से जो गड्ढा बनता है ना बारिश में उस गड्ढे में पानी भर दिया जाए तो उसको पार करने में कितनी दिक्कत होती है कुछ दिक्कत नहीं होती लंगड़ा भी कूद के चला जाएगा एक पैर से ना इतना छोटा सा तो गड्ढा होता है तो कहते हैं कि ब्रज में हमारा संपूर्ण ध्यान संपूर्ण आकर्षण कृष्ण जी के प्रति था माया से पूरी तरह से उदासीन थे इसलिए माया छोड़ने में हमें उतनी ही कठिनाई हुई जितनी की गाय के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे को पार करने में होता है अर्थात बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई और जब रास में गए तो रास में किस तरह से हमने नया तन योग माया का जो नूरी तन है प्रकाशित तन है दिव्य तन उसको धारण किया कैसे हमने राज्य के साथ उथले वचन अर्थात व्यंग्यात्मक बातें की सब हम सुन चुके हैं प्रारंभिक दो तीन दिनों की चर्चा में फिर कहते हैं कैसे राज्य ने आपको वृंदावन दिखाया किस तरह से वहां पर आनंद की प्रेम और आनंद की लीला की और कैसे राज्य वहां पर अंतरध्यान हुए वापस दर्शन दिया किस तरह की लीलाएं हुई ऐसे सारी चर्चा श्री जी सुना रहे हैं कहते हैं और राज्य जब अंतरध्यान हुए उसके बाद फिर वो प्रगट भी हुए और तुम्हारे विरह को उन्होंने शांत किया फिर किस तरह से राज्य के साथ मिलकर के पुनः आनंद की लीला की उसके बाद यमुना जी में स्नान किया राज्यी को सबने मिलकर के भोजन कराया राज्यी ने सबको भोग लगाया उसके बाद राज्य ने पूछा कि वृंदावन कैसा लगा हमने क्या जवाब दिया शमशान घाट जैसा क्यों क्योंकि जहां राज्जी और हम अर्थात जहाँ आप और हम एक पल के लिए भी अलग हुए हों तो वह हमारे लिए शमशान घाट की तरह है इसलिए राज्जी हमें ऐसी जगह पर ले चलिए कि हवे वाला हूँ एटलू मांगूँ खिण एक अलग न थिए जहाँ हम एक पल के लिए भी अलग न हो ऐसा ऐसी जगह पर ले चलिए अब वो स्थान केवल परमधाम है तो परमधाम में जागृत हुए वहाँ जागृत होने के बाद पुनः माया देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा और कहते हैं तीस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण ये जो ब्रह्मांड रचा गया है इसकी रचना आप ही के लिए हुई है और जिस त्रिगुण के माध्यम से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है वह तो आपके लिए कुछ भी नहीं है खिलौने के समान है अब कई सुंदर साथ इस चौपाई का अर्थ थोड़ा अलग तरह से लेते हैं जो कि अनुचित है और स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं कि त्रिगुण का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे लिए खिलौने के समान है जबकि इसका अर्थ ऐसा नहीं है देखिए आचरण की दृष्टि से देखें तो ये जो तीनों देव हैं ब्रह्मा जी अपने मुखार से चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते ही रहते हैं विष्णु भगवान भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं हमेशा ध्यान में ही डूबे रहते हैं लक्ष्मी जी को धरती में भेज भेज के वो खुद ध्यान करते हैं ऐसा प्रसंग भागवत में आता है इसी तरह से शिव जी भी पांच पांच हजार दिव्य वर्षों की वो समाधि लगाते हैं तो उनको उनके लिए इस तरह से शब्द प्रयोग करना कि तुम्हारे जो त्रिगुण है वो तो हमारे खिलौने हैं ये उचित नहीं है यहाँ उस अवस्था की बात की गई है कि यदि आप में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है मैं यदि का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि चौपाई तो कहती है ना ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो है। तो पता ही नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसके दोनों अर्थ हैं आपको सकारात्मक रूप में लेना है तब भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं और नकारात्मक रूप में लेना है तब भी आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है लेकिन यहाँ जो वास्तविकता है वो ये है कि यदि आप में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है और आप अपनी शुद्ध अवस्था में मतलब जीव भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में पहुँचते हैं परमहंस अवस्था में पहुँचते हैं तो उस समय आपकी जो अवस्था होती है वह त्रिगुण के लिए भी ऐसी अवस्था होती है कि त्रिगुण भी उसको पाना चाहते हैं त्रिगुण भी उन ब्रह्म मुनियों की चरण रज पाना चाहते हैं बात झूठ नहीं है पर आप जिस तरह से व्यक्त करते हैं समाज में कई बार जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी की तो खैर एक ही जगह पे पूजा की जाती है पर जो कोई विष्णु भगवान के भक्त होंगे जो शिव जी के भक्त होंगे उनके सामने आप सीधे इस तरह से बोलेंगे कि त्रिगुण तो हमारे खिलौने हैं तुम जिसकी पूजा करते हो तो वास्तव में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वास्तविकता को बताने का भी अपना तरीका होता है भागवत में भगवान जी स्वयं कहते हैं ऐसा कि ब्रह्म मुनि जो है वह मुझे शिव जी ब्रह्मा जी आप और यहाँ तक कि मेरी स्वयं की आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं और उनके चरण रज पाने के लिए मैं हमेशा उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ लेकिन ये तो हमने प्रमाण के साथ में बोला ना किसी को सीधे इस तरह से कहेंगे तो वह आपकी बात क्यों सुनेगा श्री जी ब्रह्म सृष्टियों को ही कह रहे हैं जयराम माइक अनसारा को कि त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो खास सयन तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो और अब तुम याद करो कि फेर खेल क्यों कर किया याद करो ताए तुम कि ये जो माया का खेल दोबारा कैसे बनाया गया उसको तुम याद करो और तुम क्या कर रहे हो अब तक कि अजू तुम मोह अंधेर में जो एता दिया तुम्हें याद श्री देवचंद्र जी के अंदर राज्य विराजमान होकर के इतना याद दिला रहे हैं फिर भी तुम मोह के अंधेरे में फंसे हुए हो फिर फेर माया मोह में याद न करो बुनियाद इस माया के मोह में फंस तुम अपनी बुनियाद को बुनियाद किसे कहते हैं बुनियाद मतलब नीव अथवा मूल तो हमारा मूल है परमधाम। तो परम को तुम याद नहीं कर रहे हो इस तरह से श्री जी जब चर्चा करके सुनाते हैं उस चर्चा के आनंद में सुंदर साथ इतना डूबे हैं कहते हैं कि इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन दिन कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है सुन के सब मगन भय दिल हुआ अति रोशन श्री जी की चर्चा सुनकर के सभी लोग मग्न हुए हैं आनंद में डूबे हुए हैं और सबका हृदय अब ज्ञान के प्रकाश से रोशन अर्थात प्रकाशित हो रहा है इस तरह से जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ को जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन इस मुख से करना संभव नहीं है श्री लालदास जी कहते हैं कि संबत सत्रह से दीप पधारे श्रीराज 1722 में श्रीजी दीप बंदर पधारे हैं और दो वर्ष तक वहाँ रहते हैं उन दो वर्षों में प्रतिदिन चर्चा होती है अब ये तो जयराम भाई कंसारा के घर के लोग हैं पर जैसे जैसे श्रीजी चर्चा करते रहते हैं आसपास के लोग आने लगते हैं फिर उनसे सुन करके दूसरे लोग आने लगते हैं कि जयराम भाई कंसारा के घर में तो ऐसी चर्चा हो रही है अखंड ब्रज की बात सुनाई जाती है अखंड रास की बात सुनाई जाती है तो इस तरह पूरे शहर में शोर मच जाता है कि कोई महात्मा आए हैं और ऐसी अलौकिक चर्चा सुनाते हैं पर आने वाले बहुत हैं सुनने वाले भी बहुत हैं लेकिन लाभ कोई कितना ले पाता है कहते हैं अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन जिसका जितना अंकुर था जिसका जितना संबंध था उतना उन्होंने लाभ लिया और सुंदर साथ में वही शामिल हो पाए जो निस्बती सयन जिसका निस्बत परमधाम से ही जुड़ा हुआ था अब कहते हैं युद्ध किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर दज्जाल ने युद्ध किया दज्जाल किसे कहते हैं जैसा कि हमने पहले भी कहा था देखिए हिंदू धर्म ग्रंथ में कलयुग उसे ही कहा गया है स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करने पर माया भी उसे ही कहते हैं और कते परंपरा में दज्जाल कह के वर्णित किया गया है कुल मिलाकर करके वह शक्ति जो आत्मा को राज्य की तरफ जाने से रोके बाधा पहुंचाए वह दज्जाल है कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आ जाता है कभी वह किसी वस्तु के रूप में आ जाती है अलग अलग रूपों में अब यहाँ लोगों के रूप में है जहाँ श्री जी दीप बंदर में चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पहले के भी कोई कथावाचक थे जो श्री जी के पहुँचने से पहले कथा सत्संग इत्यादि करके अपना गुजारा किया करते थे श्री जी के जाने के बाद लोग चर्चा सुनने के लिए अब उनके पास जाने लग गए जयराम भाई के घर में और इतना ही नहीं जयराम भाई कंसारा के यहाँ श्री जी की चर्चा सुनते थे और जाकर उन कथावाचकों से सवाल पूछते थे अखंड ब्रज की अखंड रास की अब उनके पास कोई जवाब तो होता नहीं था जब जवाब नहीं होगा दुनिया की रीत है प्रारंभ से लेकर के अब तक कि जिसको हरा नहीं सकती है दुनिया उसको बदनाम करती है जिसको हराया नहीं जा सकता है उसको बदनाम करने की रीत है तो इन लोगों ने भी क्या किया जितने कथावाचक थे उन्होंने सोचा कि किसी तरह से परेशान किया जाए किसी तरह से उनकी उल्टी सीधी चुगली लगाई जाए अब दज्जाल ने अपने तरफ से पूरा जोर लगाया पूरी शक्ति लगाई कैसे किया इसका प्रसंग आगे बताएंगे कहते हैं धक्का दिया साथ को पर जाको डग्या न ईमान उसने ईमान हिलाने के लिए धक्का तो दिया यहाँ एक आलंकारिक वर्णन है ऐसा नहीं कि कोई शरीर है कोई व्यक्ति है और आ करके किसी को धक्का दे रहा है कि उधर मत जाओ ऐसा नहीं है मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जैसे परीक्षा की घड़ी कहते हैं ना कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा तो कहते हैं सोई खास गिरोह मोमिन जाको हके दई पूरी पहचान वास्तविक ब्रह्म सृष्टि वही है जिनको राज्य ने अपनी पूरी पहचान दी और जिसको पूरी पहचान हो जाती है फिर कोई कितना भी धक्का दे दे कोई कितना भी ईमान हिलाने का प्रयास करे पर वह दृढ़ रहता है इस तरह से अब चर्चा सुनने आ, आ, आने वाले का तांता लग गया सुनने के लिए जो आते थे पहले घर के पांच सात लोग सुनते थे अब पचास साठ की संख्या पहुंच गई जो कथा बांचने वाले थे पहले के कथा कहने वाले लोग थे अब श्रोता उनके जो श्रोता थे वो भी जयराम भाई कंसारा के घर में आने लगे सवाल पूछने लगे तो उन लोगों ने अब सोचा कि क्या किया जाए एक व्यक्ति को तैयार किया कि तुम जा के दीव का जो अधिकारी है उसको शिकायत लगा दो दीप बंदर का तात्पर्य वर्तमान में जो दीव है ना स्थान गुजरात में दमन और दीव हम कहते हैं तो उसी को दीप बंदर कहा है आप आज भी वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ एक किला बना हुआ है और वह किला पुर्तगालियों का बनाया हुआ जो पुर्तगाल के लोग आए थे उनका बनाया हुआ तो पुर्तगाली जो है वो ईसाई हैं अब उन कथावाचकों ने चुगलखोर के माध्यम से ये शिकायत लगवाने के लिए उसको भेजा कि तुम जाकर के उस अधिकारी से बोलो जो भी थानेदार है यहाँ का किलेदार है उसको कि कोई साधु आए हैं वो साधु तुम्हारे देवता की निंदा करते हैं अब चुगलखोर ने सोचा ठीक है वो शिकायत करने के लिए जा रहा था लेकिन अब राज्य ब्रह्म सृष्टियों को ऐसे कष्ट में कैसे देख सकते हैं उन्होंने अब राज्य के जोश ने उसी चुगलखोर के मित्र का रूप धारण किया और वहां मिला उस चुगलखोर से किले में मिला उसने पूछा कहाँ जा रहे हो तो कहता है कि मैं तो यहाँ किलेदार से मिलने जा रहा हूं बोले क्यों तो कहता है कि कोई व्यक्ति आया है शहर में कोई साधु आया है जो हमारे देवों की निंदा किया करता है तो उस मित्र ने कहा कि क्या तुमने अपने कान से सुना है या उस महात्मा को अपने आंखों से देखा है कहते कि नहीं मैंने तो देखा नहीं है पर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है तो मैं तो बात करने आया तो उस मित्र ने कहा कि तुमने न अपनी आंखों से देखा न अपने कान से सुना यह बात झूठी भी हो सकती है और तुम्हें तो पता है कि किलेदार कितना की क्रूर है यदि तुम्हारी शिकायत झूठी निकली और तुम्हारी झूठी शिकायत की वजह से उस साधु को जो कि यदि सच्चा निकला और उसको तकलीफ हुई तो उसकी हाय जो तुम्हें लगेगी तो उससे तुम्हें कौन बचाएगा तो चुगलखोर ने सोचा कि ये तो बात सही है कि मुझे पता कर लेना चाहिए था तो उसने कहा ठीक है मैं अब शिकायत नहीं करूँगा मेरे से गलती हो गई मैंने जांच पड़ताल किए भी ही ऐसा तुरंत अमल करने के लिए सोचा तो इस तरह से इतना बोल कर वह मित्र तो वहाँ से चला गया ओझल भी हो गया और वह चुगलखोर जो चुगली करने के लिए पहुँचा था शिकायत करने के लिए वो भी वहीं से लौट गया लेकिन अब सुंदर साथ में ये बात फैल गई थी कि कोई शिकायत लेकर के किले में जा रहा है वहाँ के किलेदार से वहाँ के शासक से शिकायत करने के लिए कि जयराम भाई कंसारे के यहाँ हमारे देवताओं की निंदा की जाती है तो जो लोग चर्चा सुनने आते थे उन्होंने सोचा कि यदि इनको पकड़ने आएंगे तो शायद हो सकता है हमें भी पकड़े इनके साथ साथ में हमें भी सजा दे दें तो सब भाग गए कोई दूसरे शहर छोड़कर के दूसरी जगह चला गया कोई दूसरे टापू में चला गया कोई कहता है कि कौन जयराम भाई हम तो जानते ही नहीं कौन प्राणनाथ जी हमें पता ही नहीं इस तरह से सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से पल्ला झाड़ लिया कहते हैं इन भात दज्जाल ने सबके लिए हथियार कोई खड़ा ना रह सका तरफ धनी निर्धार दज्जाल ने सबके हथियार ले लिए सुंदर साथ के हथियार क्या हो सकता है दृढ़ विश्वास अनन्य प्रेम श्रद्धा समर्पण इत्यादि अब जहाँ विश्वास ही नहीं है वहाँ श्रद्धा और समर्पण कहाँ से आएंगे प्रेम कहाँ से आएगा तो सारे हथियार ने ले लिए अब कोई वहाँ पर राज्य की तरफ दृढ़ होकर के विश्वास के साथ खड़ा नहीं रह सका कौन खड़ा रहा कहते हैं एक जयराम खड़ा रह और इनके घर के लोग केवल जयराम भाई कंसारा दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं और उनके परिवार के लोग इनो आपोपा दिया रहे अपने जोग इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था कि जो कुछ भी होगा हम झेल लेंगे और उसी आनंद में वो मग्न रहे मस्त रहे अब ये तो दज्जाल की नजर थी खलबली मच गई सब में लेकिन एक आध दिन के बाद में सब शांत हो गया तो धीरे धीरे अब क्योंकि चर्चा सुनने का लालच तो सब में था ही सबको पता था कि श्री जी की चर्चा जो है वो अलौकिक होती है तो जिज्ञासा बस धीरे धीरे लोग आने लगे लेकिन आए तो अब वो हंसी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्या क्या बोला था तो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खुद ही अपनी तरफ से ही स्वीकार करने लगे कि हमने तो ऐसा बोला था कि हम तो जानते ही नहीं हैं हम तो दूसरे शहर में चले गए थे इस तरह से अलग अलग बातें वो करने लग गए फिर श्री जी ने दिल में लिया कि दो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इस तरह की घटना होते होते दो वर्ष व्यतीत हो गए तो श्री जी ने सोचा कि एक ही स्थान पर हम रहे तो जागनी कैसे होगी श्री देवचंद्र जी ने तो क्या समझाया था कि बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल सकुमार विस्तार होए ब्रह्मांड में वार न पार सकुंडल सकुमार की जागनी करनी है और उनके बाद पूरे ब्रह्मांड में तारतम वाणी का विस्तार होगा तो अब उनको ढूंढना है तो हम एक ही जगह पर रह करके तो नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने जाने की इच्छा व्यक्त की कि यहाँ से जाना है सुंदर साथ जाने नहीं देते वो कहते हैं कि कुछ दिन और रुकिए और रुकिए अब श्रीजी ने मूल स्वरूप राज्य की तरफ नजर किया कि कोई ऐसा बहाना बना दीजिए तो ऐसा बहाना बना कि दीप बंदर में अरब सागर में रहने वाले जो अरबी लुटेरे थे जो जहाज से नाव से आते थे समुद्र किनारे के लोगों का अपहरण करके लेके जाते थे और उनको छोड़ने के लिए फिरौती की रकम मांगते थे किडनैपिंग आज की तरह तो अरबी लुटेरों ने दीप बंदर में हमला किया और कई लोगों को अपहरण करके ले गए और उनमें बाइजुराज जी भी थी और साथ में कुछ सुंदर साथ भी थे और वहां से अपहरण करके वो ले गए तो श्री जी ने इसी बहाने से कि उनको छुड़ाने के लिए जाना है सुंदर साथ को मजबूर होकर के श्री जी को विदाई देनी पड़ी श्री जी दीप बंदर से चले और वहाँ से चल के पहुँचे नबी बंदर, फिर वहाँ से पहुँचे पाटन अब वहाँ हर जगह पर देखा उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि सुंदर साथ कहाँ है पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ सुंदर साथ में भी इस बात की खलबली मच गई कि इस तरह से बाइजू जी और सुंदर साथ का अपहरण हुआ है अलग अलग जगह पे अपने अपने तरफ से प्रयास करने लग गए सुंदर साथ लेकिन श्रीजी को इस बात की चिंता नहीं है कि उन्हें कैसे छुड़ छुड़ाया जाए उन्हें मूल स्वरूप राज्य पर विश्वास है उन्हें तो दीप बंदर से बाहर निकलने का एक बहाना चाहिए था तो वहां से वो निकले नवीपुर बंदर से पाटन पाटन से पहुंचे श्री जी कच्छ कच्छ में जब पहुंचते हैं तो थावर भाई ने उनका साथ दिया वहां से चलकर श्रीजी पहुंचे मंडई आज मांडवी जिसको कहा जाता है बहुत सारे लोग वहां पर घूमने के लिए भी जाते हैं समुद्र किनारा है तो श्रीजी पहुंचे मंडई में और वहां जाकर सुंदर सात का हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा अर्थात माया से निकाला वाणी चर्चा सुना करके वहां प्रागमल कुंवर बाई ऐसे अनेक सुंदर साथ रहते थे कहते हैं तहा खंडनी करके फिर जीवते किए सब को जीवित किया जीवित करने का मतलब जो निद्रा होती है ना निद्रा को छोटी मौत कहा जाता है क्योंकि जैसे मरे हुए व्यक्ति को कोई शुद्ध नहीं होती बाहर की वैसे ही जो घोर निद्रा में होगा उसको भी पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है तो अज्ञानता के नींद में सोना भी मृत्यु की तरह ही है उसमें से अब ज्ञान से उन्होंने जीवित किया श्री जी ने कहते हैं ए हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया मो कि माया में रह करके आप लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई अब आप जागृत हो जाइए अब जागो दिन आया धाम चलने का परम धाम चलने का दिन आया है अब माया में आप लोग कहाँ तक रहोगे जिस माया में आप लोग रहना चाह रहे हैं कहते हैं ए काहू के रही है इनकी कौन प्रतीत ये माया किसी की हुई है कभी भला ये किसी की नहीं हुई है आज तक इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए उनके साथ भी माया नहीं गई बड़े बड़े राजा हुए सम्राट हुए किसी के साथ भी नहीं गई जो कमाता है उसके साथ भी नहीं जाती है कोई लेकर के नहीं जा सकता है तो माया आज तक किसी की सगी नहीं हुई है तो तुम माया का माया के सगे कैसे बन सकते हो तुम्हें ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कभी छोड़ करके चले जाना है और तुम इस माया को पकड़ने के चक्कर में इस दुख रूपी संसार में कैसे रह रहे हो इस तरह के खंडनी के वचन से श्री जी जगाने का प्रयास कर रहे हैं अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस तरह से मंडई में जागनी करने के बाद श्रीजी आगे बढ़ते हैं अभी तो लाठी बंदर जाना है नगर में चिंतामणि जी जो कि कबीर पंथ के ऐसे विद्वान थे जिनके हजार शिष्य साथ में चला करते थे लालदास जी जिनकी निन्यानबे जहाजों से व्यापार चला करते थी तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ की जागनी होनी है तो वो जागनी किस तरह से होगी उन प्रसंग को सुनेंगे हम कल और आने वाले दिनों की चर्चा में अभी के लिए समय पूरा होता है तो रही एक काहु के रही है इनकी कौन प्रतीत तुम क्या करोगे इनको रहो दुख देखने इत जीत रहो दुख देखने इत जीत बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम जी